न्यूज़ आज देख सकते हैं इसी क्या है। और ये चीज़ अभी कम मिलती है, ये वाला मॉडल वाला बहुत कम मिलेगा आपको देखने के लिए। फोर बैंड का है, पैनासोनिक का है, मेड इन जापान का है फ्रेंड्स, और पूरा वर्किंग कंडीशन में, पूरा वर्किंग कंडीशन में नहीं फ्रेंड्स, हाफ कंडीशन में है। मेरे पास वन कंडीशन में आया तो मैंने इसके अंदर का सेल भी डाला थोड़ा सा, यहाँ पर मैंने थोड़ा देखा क्या है तो उसमें से आवाज़ आ रही है, हल्की सी टेंशन भी पकड़ रहा है, बड़ी आवाज़ नहीं आ रही। और इसमें से मैं बता देता हूँ, पहले देख लेना, नेशनल पैनासोनिक का है ये, नेशनल पैनासोनिक, इस पर नेशनली एक्चुअली तो ये नेशनल दिख रहा है फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा है। मैं इसका बैक साइड भी दिखा देता हूँ और इसके अंदर का भी बता देता हूँ। कभी भी रेडियो लेते टाइम पे फ्रेंड्स ये चीज़ें ध्यान रखने का कि अपन कौन सा रेडियो ले रहे और कौन सा मेड का ले रहे, तो ये ध्यान में रखने का। मेड इन जापान का है फ्रेंड्स, मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर इसका बैक साइड में। कि नहीं दिख रहा है, डोंट नो, पर देखो मेड इन जापान इसमें साइड में लिखा है। बहुत ही अच्छा है, इसका पीछे एक एंटीना है, शॉर्ट वे का एंटीना ऑन करने के लिए देख सकते हैं। यहाँ पे दिखा देता हूँ ये वाला पीछे के साइड में, लोगों ने कंपनी ने बनाया, बाकी फिलिप विलिप में होता है तो आगे होता है फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं। बहुत ही अच्छा कंपनी ने टेक्नोलॉजी बनाई है, नेशनल ने इसके अंदर सेल डाल के रखे। इस सेल के लिए भी बहुत जुगाड़ करना पड़ता है फ्रेंड्स। मैं आपको एक ही एड बताऊंगा कि 9 का आता है ना, देखो इसमें से बड़े 4 लगा दिए और 2 छोटे लगा दिए, तो बड़े मेरे पास 2 नहीं थे तो उसके लिए मैंने छोटे एडजस्ट कर लिए, से टेप भी लगा के कि गिर ना जाए। आपको दिखाने के लिए चालू है क्या नहीं है तो दिखा देता हूँ फ्रेंड्स। तो ये चीज़ें कभी भी लेते टाइम पे इसका हर चीज़ ध्यान रखना फ्रेंड्स, कभी भी कुछ भी लेते टाइम पे। तो मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे इसके ऊपर पे साफ़ सुथरा है क्या नहीं है, चालू है क्या नहीं है, वर्किंग है क्या नहीं है। पहली बात तो हर चीज़ कभी भी चालू वाला मतलब चालू रेडियो चालू है क्या नहीं है वो पहले चेक करना, और वही चालू वाला ही मैं बाय करने के लिए बोलूँगा, अभी एडवाइस दूँगा ज़्यादा करके आपको। बन भी रहेगा तो अपने मैकेनिक के पास जाके, बहुत टाइम लगेगा बनने के लिए। ऑलरेडी मेरे मैकेनिक के पास मैंने ऑलरेडी 5 रेडियो दिए बनाने के लिए, अभी तो आज बुलाया मुझे, संडे है तो आज देखते हैं कौन सा कितना रेडियो हुआ है, तो उसका भी वीडियो मैं डालूंगा कौन से वीडियो मेरे बन गए। तो कभी भी ये रेडियो बाय करोगे नेशनल का तो ध्यान रखने का वर्किंग है क्या नहीं है वर्किंग, और देखने का पहली बात तो ये टूटा है क्या नहीं टूटा, यही अपन को रेडियो लेते टाइम पे यही ध्यान रखने का, टूटा है कि नहीं टूटा, कि इसको अपन को घर पे रखने का है, शो के लिए भी रख सकते, ऑन करके भी सकते, यूज़ करके भी रख सकते। ये बहुत ही हैवी 2 kg 1 kg के आसपास रहेगा इसका वेट, कुरियर वीरियर करके के करियर करना कुरियर वीरियर सब पैकिंग वैकिंग करके 4 kg का हुआ था इसका वेट। मैं इसको आपको दिखा देता हूँ, पैकिंग का भी वीडियो डाला है फ्रेंड्स, लास्ट तक देखना, नहीं तो आपको कुछ इसके बारे में पता चलेगा नहीं कि क्यों पैकिंग का वीडियो क्यों बोल रहा हूँ। हमेशा बोलता हूँ कि पैकिंग का ही मतलब इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है, कि अंकल को यही समझाना भाई, मैं तो अंकल को यही बोलना कि मैंने ये रेडियो आपसे खरीदा, अभी पैकिंग वाला वीडियो देखो अंकल, वैसे कि वैसे मुझे पैकिंग करके चाहिए, नहीं पैकिंग किया रहेगा तो बोलना अंकल तो जो बाद में रेडियो टूटना नहीं चाहिए, ऐसे बोल देना उनको समझा के, समझा से अपनी समझ जाता है, पैर से बोलेंगे तो कोई भी आदमी समझ जाता है, ये बोलने का मतलब है। इसके बाद समझो वीडियो ख़त्म होने के बाद मैं पैकिंग वाला डालूंगा, उसको ऑन करके भी दिखाता हूँ, हल्की सी इसमें से आवाज़ भी आ रही है, मतलब रेडियो की टेंशन पकड़ती, सिग्नल पकड़ती, वो इसके अंदर का भी दिखा देता हूँ। और कैसी लगी तो मुझे बताते रहना कमेंट बॉक्स में, बहुत बहुत जन अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं, मुझे अच्छा लगता है। कोई कोई तो स्टूडियो बोलने के लिए भी मुझे कमेंट्स कर देता है, तो उनके लिए भी थैंक यू, नहीं करने वाले को भी थैंक यू। तो अभी तो मैं सबका नंबर नीचे दे दिया हूँ कमेंट बॉक्स में, किसको किसका किसका मतलब प्रोजेक्टर का भी नंबर मैंने डाल दिया है, मैकेनिक का भी नंबर नीचे डाल दिया है, हर चीज़ का मैंने अभी किसको किसको बोलता हूँ कि नंबर किसको चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में मैंने लिख दिया है, जानबूझ के नहीं लिखता था, कोई परेशान करे उनको उसके लिए। तो अभी देख सकते इसका ऑन ऑफ का बटन है, देखो इसको हल्की सी आवाज़ आ रही है,
चेक करता हूँ। मैंने दो तीन जन को पूछा, कोई तो तबला बजाने की आवाज आ रही, मीडियम वेव का चैनल लगा है फ्रेंड्स मैंने, उसका आवाज क्यों कम आ रहा है मुझे पता नहीं, मेरे मैकेनिक के पास ही लेके जाना पड़ेगा, मुझे अपने मैकेनिक से ही पूछना पड़ेगा क्यों इतना आवाज कम आ रहा है। और दूसरी बात फ्रेंड, इसके अंदर एक ही खासियत है कि मुझे ये रेडियो क्यों पसंद आया, आपने बोलते रहेंगे ये रेडियो क्यों लिया, कि इसके अंदर दो स्पीकर लगे आपको दिख रहा है जाली में, देखो फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट, इसमें छोटा सा है और इसमें से बड़ा स्पीकर है, देखो दो है इसमें स्पीकर, उसके लिए मैंने बाय किया था इसके लिए, और बहुत ही दिखने में अच्छा था, साफ़ सुथरा था, मैं इसके चारों कॉर्नर दिखा देता हूँ, अब देख लेना कभी भी कुछ भी चीज़ लेते टाइम पर ध्यान से। नीचे से भी कभी भी अंकल को फोटो भेजने के लिए बोलना कभी भी, और ऊपर से भी भेजने के लिए बोलना, बंद कर दे। आप देख सकते बहुत ही मतलब अच्छा अच्छा, इसमें से आपको मैं आपको ये भी बताऊंगा, मैं इसको ओपन किया था तो इसमें से 1 2 3 4 ये बैंड्स लिखे हैं ना, यहाँ पर छोटी छोटी लाइट्स भी है, मतलब समझ गया, छोटे छोटे बल्ब है, ये आई थिंक ज़्यादा पावर होने से आपको पता चलेगा कौन से बैंड पे है, मतलब फर्स्ट बैंड पे, टू बैंड पे, थ्री बैंड पे, इसके लिए वो बहुत ही अच्छा बनाया है। मैं इसके अंदर कभी दिखा देता हूँ, टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, इसके अंदर दो स्पीकर है और अच्छा कंडीशन में, अंकल को कभी भी खोलने को भी बोलना कि इसके अंदर का देखने के लिए कि ये मतलब कैसे कंडीशन में है ये देखने के लिए, तो मैं इसका अंदर का दिखा देता हूँ। देख सकते मैंने दो फ्रेंड्स इसके स्क्रू निकाले, तो ध्यान देने का, कभी भी स्क्रू उसके ओरिजिनल लगे कि नहीं लगे तो आपको पता चलेगा कि इसको खोला है कि नहीं खोला है। मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि कभी भी खुला हुआ चीज़ और रिपेयर वाला चीज़ कम से कम पैसे में लीजिए और मत लेने की कोशिश कीजिए, तो उसमें बनाने का बहुत झंझट होता है, और बंद वाला रेडियो कोशिश करना कि ना लेने के लिए। आपके पास मैकेनिक हो तो नो प्रॉब्लम, देख सकते इसके अंदर देखो यहाँ पर एक स्पीकर लगा है ओरिजिनल, और इसके पीछे एक छोटा स्पीकर लगा है, बहुत फ्रेश कंडीशन में, इसमें थोड़ा गंदा बिंदा नहीं, मैं इसको ऑन करके भी दिखाता हूँ, देख सकते इसका स्पीकर, इसके गॉन्ग, कि आवाज़ थोड़ी कम क्यों आ रही है वो मुझे इतना आइडिया नहीं फ्रेंड्स, तो तभी भी मैं एक बार अपने मैकेनिक के पास लेके जाऊंगा और करा दूंगा कि आवाज़ क्यों कम आ रही, तो अपने मैकेनिक के पास ही इसे चीज़ें लेके जाके बनाना, खुद ट्राई करने की कोशिश करना मत, नहीं तो किधर से कौन सी वायर भी निकल जाएगी, आपको आती रहेगी तो नो प्रॉब्लम फ्रेंड्स, इसको ट्राई करना, अपन कोशिश करना कि अपने मैकेनिक के पास देने के लिए, मेरे पास दोनों मैकेनिक का है, मैं दोनों मैकेनिक का नंबर आपको देता हूँ, कमेंट बॉक्स में दोनों नंबर डाल देता हूँ, रात को उनको फ़ोन नहीं करना, सुबह के टाइम पे फ़ोन करना, कभी भी तो कुछ काम रहेगा तभी फ़ोन करना, मतलब ऐसे ही फ़ोन मत करना, नहीं तो गुस्सा गुस्सा हो जाएंगे, तो वो लोग काम में बिजी होते, काम करते रहते, तो इसको बंद कर देता हूँ। इसका बहुत ही टेक्नोलॉजी अच्छा बना है, बहुत ही देख सकते मैं ऑफिस एक दिखा था, मुझे पसंद आ गया ये रेडियो, बहुत हैवी भी है और अच्छा कंडीशन में था, से बंद कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स इसका हैंडल भी बहुत ही अच्छा है, तो कैसी लगे फ्रेंड्स वीडियो कमेंट बॉक्स में मैसेज करना, लाइक करना, शेयर करना, मैं वीडियो यही स्टॉप करें तो वीडियो बढ़ी जाएगी। इसके बाद फ्रेंड पैकिंग का ज़रूर वीडियो देखना, पैकिंग का ही आपको इम्पोर्टेंट आएगा कि पैकिंग अंकल ने कैसे किया, आपके पास भी ऐसे रेडियो रहेगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए और मुझे बताइए कि ये रेडियो हमारे पास भी है, हमारे वर्किंग कंडीशन में है, मैं अपना नंबर भी आपको नंबर चाहिए तो मैं नंबर भी दूंगा, मुझे व्हाट्सअप कर देना वीडियो बता के कि मैं हमारे पास भी, और कभी भी किसको देना नहीं फ्रेंड्स, कबाड़ी वाले को बेचना नहीं, किसको भी सस्ते पैसे में किसको देना नहीं, संभाल के रखना, शो के लिए रखना, और मैं यही बताना चाहता हूँ कि किसकी ये यादें हैं, और ज़्यादा बात नहीं करूँगा, यही वीडियो स्टॉप कर देता हूँ, कैसी लगी कमेंट बॉक्स में मैसेज करना, लाइक करना, शेयर करना,
वीडियो यही स्टॉप कर देता हूँ। बाय फ्रेंड्स।